हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फीलिंग फूडीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चीज़ ब्रश पिज़्ज़ा, जिसे खाकर तो मज़ा ही आ जाता है। और इसको हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं। ये बहुत आसानी से बन जाता है और इसमें खर्चा भी बहुत कम आता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। चीज़ ब्रश पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस ले लेंगे। आप चाहें तो पिज़्ज़ा बेस बना भी सकते हैं। तो मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, प्याज और टमाटर। आप अपने हिसाब से सब्जियाँ ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। चीज़ ब्रश पिज़्ज़ा बनाने की मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब पिज़्ज़ा बेस को हम ध्यान से बीच में से कट कर लेंगे और इसे बिल्कुल ध्यान से करें। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा बेस के दो हिस्से हो चुके हैं। अब पिज़्ज़े का दूसरा हिस्सा साइड में रखते हैं। अब हम एक प्लेट ले लेंगे जिसमें हमें पिज़्ज़ा को बनाना है। मैं यहाँ प्लेट का यूज़ कर रही हूँ। अब पिज़्ज़ा बेस पर सबसे पहले हम शेज़वान सॉस लगा देंगे। इसको अच्छे से हम फैला देंगे पिज़्ज़ा बेस पर और उसके बाद हम इस पर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। यहाँ मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी अच्छे से चारों तरफ डाल देंगे। और अब मोज़रेला चीज़ डालने के बाद दूसरे हिस्से को इस पर लगा देंगे। इस तरीके से हम लगा देंगे इस पर और फिर हम इस पर दोबारा से शेज़वान सॉस को अच्छे से फैलाकर लगाएंगे। और इसके बाद हम इस पर टोमेटो सॉस को अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद हम इस पर मोज़रेला चीज़ को डाल देंगे। थोड़ा सा ही डालेंगे, उसके बाद में भी हमें डालना है। आपको जितना चीज़ पसंद हो उतना चीज़ इस्तेमाल करें। इसके बाद हम इस पर अपनी सब्जियां सजा देंगे। यहाँ सबसे पहले मैं शिमला मिर्च को डाल रही हूँ, फिर टमाटर, फिर उसके बाद प्याज, फिर कॉर्न को डाल देंगे। आप यहाँ अपनी पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। और अब हम इसके बाद अपना बाकी का बचा हुआ मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें एक कप नमक डालकर 10 मिनट के लिए इसको प्रीहीट कर लेंगे। हम इसके बीच में बाउल के स्टैंड, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको रख देंगे। अब हम अपने पिज़्ज़ा की प्लेट को इसके ऊपर रख देंगे और इसको ढककर 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। पंद्रह से 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा कितने अच्छे से पक गया है। देख सकते हैं हमारी चीज़ भी कितने अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम पिज़्ज़ा कटर या फिर नाइफ से इसको कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना यम्मी दिख रहा है चीज़। चीज़ ब्रश पिज़्ज़ा ऊपर का चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हुआ है। अब मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और ऑरिगेनो डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा कितनी यम्मी लग रहा है, खाने में भी इतना ही टेस्टी है। आप घर पर बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आपका 25 रुपये के करीब का पिज़्ज़ा बेस आएगा और मोज़रेला चीज़ 50 रुपये के करीब की आएगी और आपका 80 रुपये के समथिंग का आपका इतना टेस्टी डोमिनोज़ ब्रश पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो जाएगा। और आप इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ डोमिनोज स्टाइल चीज़ी ब्रश पिज़्ज़े को इंजॉय कर सकते हैं। अगर
आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।